नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अपन लोग बात कर रहे हैं रिमाइंडर की, यानी कि किसी भी अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका रिमाइंडर कैसे हम फाइंड करेंगे। कुछ आपको बेसिक चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, आज मैं कुछ थ्योरम बताऊंगा, या फिर अगर आपको प्रश्न दिखे तो आप चीज़ों को कैसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं सब बातों से आज का सेशन। पहला थ्योरम आज मैं आपको जो बताऊंगा वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर नहीं है क्या? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली कहता है क्या कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ और फंक्शन अपॉन x माइनस ए, सपोज x का कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज कोई x का फंक्शन दिया हुआ है और नीचे जो डेनोमिनेटर है उसमें x माइनस ए दिया है, ठीक है, तो उस फंक्शन का रिमाइंडर क्या होगा? ये होगा एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए उस फंक्शन का रिमाइंडर होगा। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। इसको अगर एग्जांपल से हम करते हैं तो देखिए ये क्या चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, इसको हम एलोबरेट करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या ये चीज़ें लिखी हुई है। अब देखिए, फाइंड रिमाइंडर वेन इतना, ये फंक्शन है किसका? एक्स का कोई फंक्शन है, एक्स का कोई फंक्शन है, ठीक है, इस को अगर डिवाइड करेंगे x माइनस वन से तो कितना रिमाइंडर होगा? तो एक्चुअली कह क्या रहा है, ये क्या है, एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है और डिवाइड ना से करना है, इतना से यानी कि x माइनस वन से करना है, इस फंक्शन को डिवाइड इससे करना है, तो रिमाइंडर पूछ रहा है। तो हमको रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स हो, ठीक है, उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो फंक्शन का रिमाइंडर क्या होता है, एफ ऑफ ए, यानी कि जो a की वैल्यू होगी वो हम पुट कर देंगे इस फंक्शन में तो वो रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, सपोज x में है या y में, z में भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर नीचे z माइनस ए हो, अगर z का फंक्शन हो तो z माइनस ए होगा, ठीक है, अगर x का फंक्शन हो तो x माइनस ए होगा, ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे उतना से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जो a रहेगा उसी को हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो वो रिमाइंडर दे देगा। जैसे ये एग्जांपल है, ये फंक्शन है, ठीक है, समझ में आई बात, ये फंक्शन है, इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस वन से, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो फंक्शन का रिमाइंडर क्या होता है, उस फंक्शन में अगर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो उसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, ये हमारा यहाँ पे वन है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा वन है, तो हम अगर इसको यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, इस फंक्शन में पुट कर दें वन को, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस वन, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, तीन एक चार एक पाँच, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, फाइव। तो अगर आपको कोई भी अल्जेब्रिक फंक्शन दिया जाए, ठीक है, आपसे उसका रिमाइंडर पूछा जाए, ठीक है, तो आप ये रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए द रिमाइंडर वुड एफ ऑफ ए, ठीक है, शुड बी इट्स रिमाइंडर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट एग्जाम्पल। हियर यू कैन सी टू टू द पावर 72 अपॉन 7, यानी कि अगर हम 2 to the power 72 को डिवाइड करें 7 से तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन, कि अगर 2 to the power 72 को हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा। आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसको करने का बहुत तरीका है, ठीक है, पहले हम इसी फंक्शन से करते हैं, ठीक है, ये जो थ्योरम है उससे करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 - 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं 7 को, 2 to the power 3 को हम 8 लिखेंगे, माइनस वन 7 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 to the power 3 - 24, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, इसको अगर हम x मान लें, इस पूरे टर्म को x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, x to the power 24 upon x - 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं अगर हम 2 to the power 3 को हम x मान लें, ठीक है, तो 2 to the power 3 को हम x मान लें तो x to the power 24 लिखाएगा और ये x - 1, और ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, ये रिमाइंडर फॉर्म में f ऑफ x, x का कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है x का और x - 1 है, ठीक है, x - 1 है, तो हम इसका डायरेक्ट रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं, x में क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1, यानी कि 24, यानी कि 1 24, यानी कि 1 हमारा इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, अगर a पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है,
वो हमारा रिमाइंडर आएगा। एक बार फिर से इसको समझा दे कि जो हमारा ये जो फंक्शन दिया हुआ था, ये जो फंक्शन दिया हुआ था उसको हम क्या चीज में कन्वर्ट कर दिए, इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से, ठीक है। इसको हम एक्स मान लिए, इसको एक्स मान लिए तो इस तरह से लिख सकते हैं, और ये क्या फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया, इस तरह का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमको कहता है कि अगर x का कोई फंक्शन है और x माइनस वन नीचे है, ठीक है, x माइनस वन या कुछ भी रहे, x माइनस ए कुछ भी रहे, ठीक है, तो आगे देख लेंगे इसको भी, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे किसका, a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू क्या है, एक है इसमें, तो a का वैल्यू पुट किए इसमें, ठीक है, तो क्या आ गया, ये हो गया रिमाइंडर वन, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है, ठीक है, एग्जाम में आपको ये कंसेप्ट क्लिक नहीं कर पाती है, तो आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या है कि ये सात है, ठीक है, तो यानी कि अगर हम आठ कर लें, ठीक है, इसको ऊपर आठ कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सात के करीब आ जाएगा, ठीक है, सात से डिवाइड करेंगे तो सात के करीब आ जाएगा, अगर इसको आठ करें तो, यानी कि टू टू दी पावर थ्री और 24, टू टू दी पावर थ्री को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8/7 और ऊपर लिख सकते हैं 24, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है, तो 8 8 8 इस तरह से 24 बार लिखेंगे, ठीक है, 8 8 इस तरह से 24 बार लिखेंगे, और नीचे 7 है, यानी कि सभी से डिवाइड करेंगे तो सभी का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो रिमाइंडर होते हैं अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो कंबाइंड रिमाइंडर क्या होते हैं, कंबाइंड रिमाइंडर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सभी 1 1 मल्टीप्लाई होकर क्या रिमाइंडर देगा, 1, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस थ्योरम से करें या इस बेसिक तरीके से करें, ठीक है, तो आपको जो क्लिक कर जाए उस समय, ठीक है, उससे आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 3 to the power 51/28, अब इसका रिमाइंडर हम कैसे निकालें, ठीक है, अब इस थ्योरम का यूज करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, 3 to the power 3 + 1, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 to the power 3, 3 × 9 = 27 + 1 = 28, ठीक है, और ऊपर वाला को क्या लिख सकते हैं, इसी तरह का फंक्शन होना चाहिए ऊपर, यानी कि ऊपर को लिख सकते हैं 3 to the power 3, लिख सकते हैं 17, ठीक है, 17 = 51, ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये इसको अगर हम x मान लें, यानी कि x^17/(x+1) ए इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया, हालांकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1 है, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, -1, तो इस फंक्शन में हम अगर -1 रख देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या कहता है कि हम उस फंक्शन का रिमाइंडर क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अगर a की वैल्यू हम डाल दें, ठीक है, तो ये फंक्शन में अगर हम a की वैल्यू डाल दें तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है, ठीक है, a की वैल्यू -1 है, तो इस -1 को इसमें डाल देते हैं तो -1 to the power 17, यानी कि -1 आंसर, ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, कहते हैं देखिए फोर्थ क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2+1 लिख सकते हैं, इसको 3 को, इतना तो लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 58 × 2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या है कि ये फंक्शन है और ये है 2, ठीक है, 2 का फंक्शन है और ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो गया कि इसको हम पूरे टर्म को, ठीक है, पूरे तो क्या है x है, ठीक है, तो x^58 x+1, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -1, यानी कि -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 to the power 58 क्या होगा, +1, ठीक है, तो +1 इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी 2 बचा हुआ है, ठीक है, 2 बचा हुआ है, तो यहाँ भी इसको रिमाइंडर निकालेंगे 2/3, और 2/3 का रिमाइंडर क्या होता है, 2/3 का रिमाइंडर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, एक रिमाइंडर ये आया और एक रिमाइंडर 2 आया ऊपर, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम इस तरह से फंक्शन में लिख सकते हैं, ये 2 को हम x मान लिए तो ये इस तरह का फॉर्म आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो इसका तो रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन अभी इसका रिमाइंडर नहीं निकला है तो इसको डिवाइड करते हैं इससे, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि पहले 1 आया और उसके बाद 2 आया, यानी कि दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी रिमाइंडर थ्योरम।